सर ये बात तब की है जब बड़े भैया के लिए रिश्ते देखे जा रहे थे। तभी भी मुझे बुरा लग रहा था क्योंकि जो भी रिश्ते देखे जा रहे थे केवल और केवल दहेज को दिमाग में रखकर देखे जा रहे थे। भाभी के पापा 10 लाख कैश देने को तैयार हो गए। भाभी की शादी हो गई और विदा होकर घर आ गए। मुझे अच्छा लगा, कम से कम मेरा साथ देने के लिए कोई तो आया। भाभी को पता चला कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी हर तरफ से मदद की। मेरे और रत्नेश के रिश्ते के बारे में जानने के बाद भी उन्होंने बहुत हिम्मत दिया। उन्हें यह भी पता था कि इस तरह के रिश्तों का क्या अंजाम होता है हमारे गांव में। उसके बाद भी हर तरफ से मदद की, हिम्मत दिया, पर भाभी अपने लिए हिम्मत नहीं जुटा पाई।